खामिंद और बीवी का रिश्ता, ये तमाम रिश्तों में सबसे अहम रिश्ता है, सबसे बड़ा रिश्ता है, सबसे बुनियादी रिश्ता है। पहला रिश्ता जो अल्लाह ताला ने इस कायनात में कायम किया वो आदम और हव्वा, मियां बीवी का पहला रिश्ता मियां बीवी का है, और जन्नत में भी रिश्ता मियां बीवी का ही रहेगा। हर आदमी अपनी बीवी के साथ, हर बीवी अपने खामिंद के साथ पूरी जन्नत में अलग अलग रहेंगे। अब इब्तिदाए रिश्ता इंसानियत हुई है खामिंद और बीवी के साथ। आदम अलैहिस्सलाम को पहले पैदा किया, एक पैगाम दिया कि कायनात का निजाम मर्द के गिर्द घूमेगा, औरत के गिर्द नहीं। मर्द अर्रिजाल कवामून अला निसा का मतलब है कि कायनाती निजाम अल्लाह ने मर्दों के सुपुर्द किया है, इसको चलाएंगे, ये चल, औरत उसकी मुआविन बनेगी, मददगार बनेगी। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को पहले वजूद बख्श, उनका पुतला बनाया, वो पड़ा रहा, वो खुश्क हो गया, फिर उसमें रूह डाली, फिर उनको कपड़े पहनाए, फिर उनको जन्नत में डाला। अल्लाह ने इसी तरह हव्वा का पुतला भी बना देना था, साथ ही एक गारे की ढेरी बना देते तो हव्वा का पुतला भी। अब ख्याल फरमाएं कि अल्लाह ने औरत को पहले दिन से बेपर्द नहीं रखा, पहले दिन से बेपर्द नहीं रखा। अल्लाह ताला के एक ढेरी साथ हव्वा की बनाते तो वो क्या मसला था, फरिश्ते ही हैं और तो कोई है नहीं, और अल्लाह ताला एक ढेरी बना के चल भाई आदम बन के बन गए, चल भाई हूं हवा भी बना दो, वो भी बन जाती, दोनों ही पड़े होते नहीं, ऐसा नहीं किया है। हवा की ढेरी नहीं बनाई, हवा के पुतले को बेपर्द नहीं रखा, आदम को सुलाया, आंख खुली तो पहलू में हवा को बिठाया हुआ था, पूरे लिबास, पूरी जेब जीनत के साथ। तो आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, ये कौन है? ये तेरी बीवी है, तेरी जिंदगी की साथी। और अजब बात बता, जन्नत जैसी नेमत के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में उदास रहते थे। मां जी आई तो ता बेदा दिल लगा, नहीं तो जन्नत में भी उदास रहते थे। मार क्या चीज है, किसी की बेटी की कीमत नहीं। वो जो मालदार घरानी की बच्ची हो या किसी झोपड़े की बच्ची हो, महर किसी की बेटी की कीमत नहीं होता। थोड़ा रखो या सारी दुनिया सोना बना के महर बना दो, एक बाल की भी कीमत नहीं। महर एक अलामत है, एक अलामत है कि आज के बाद इस लड़की का खर्चा ये लड़का उठाएगा। जब तक वो जिंदा और ये निकाह कायम है, ये खर्चा खामिंद कवामून अला निसा, घर का निजाम मर्द चलाएगा, मर्द औरत घर में बैठेगी, नस्ल को तैयार करेगी, तरबियत करेगी, एक खूबसूरत नस्ल अगली नस्ल को दे के दुनिया से जाएगी। बहुत बड़ी जॉब है हमारी औरत की, यह इंसानियत का पहला रिश्ता है। वालदैन के हुकूक के लिए चंद आयात, औलाद के हुकूक के लिए चंद आयात, बहन भाइयों के हुकूक के लिए चंद आयात हैं, खामिंद बीवी के लिए सैकड़ों आयात। पूरी सूरत उतरी है, सूरह तलाक, पूरी सूरत, सूरह निसा, सूरह तलाक, सूरह मायदा में, सूरह बकरा में, सूरह आल इमरान में अल्लाह ने सैकड़ों आयात उतारी कि ये रिश्ता बाकी रहे, क्योंकि इसमें कमजोरी है। अहमियत के बावजूद इसमें एक कमजोरी है कि एक बोल पे टूट जाता, बाकी रिश्ता टूटता नहीं। मैं अपनी मां का फरमा बरदार हूं या ना फरमान हूं, मां बेटे का रिश्ता नहीं टूटता। बाप का बागी हूं या बाप का खिदमत गुजार हूं, यह रिश्ता नहीं टूटता। भाई से लड़ा हुआ हूं या सुलह है, यह रिश्ता नहीं टूटता। लेकिन खामिंद और बीवी का रिश्ता एक बोल पे टूट जाता। मेरे नबी ने फरमाया, अली तलाक से बचना, जब तलाक दी जाती है तो अल्लाह का अर्श कांप उठता है, अल्लाह का अर्श कांप उठता है। जब बेजा तलाक दी जाती, जरूरत के तहत तो तलाक रखी गई, लेकिन जैसे आजकल की तलाकें हो रही तो अल्लाह का अर्श कांप उठता। अरे मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूं, तो वहां एक बच्ची मिली मुझे, कहा कि मुझे तलाक हो गई कि ससुराल वाले का तेरे अब गड्डी तो दीती को नहीं, चल वापस। और खुद वो डॉक्टर है जी, तलाक हो गई। तो इस तरह जब जुल्म सितम होता है तो फिर अल्लाह का अर्श कांप उठता है। तो ये रिश्ता कैसे गुजारना है कि जिंदगी खूबसूरत हो जाए? क्योंकि मेरी बात सुन ले गौर से, आप मालदार लोग बैठे हैं, पैसे से आप जिंदगी को खूबसूरत नहीं बना सकते। घर खूबसूरत बना सकते हैं, गाड़ी खूबसूरत ले सकते हैं, जेवर खूबसूरत खरीद सकते हैं,
जिंदगी की खूबसूरती का ताल्लुक इन चीजों से नहीं है। जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ मेरे नबी की गुलामी में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पाकीज़ा जिंदगी लेकर आए, जो उसके पीछे चलेगा उसकी जिंदगी में हुस्न